हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मनदीप है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सुपर ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, या सुपर ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी और फ्रेमवर्क आप बोल सकते हैं, और उसका नाम है लैंगचेन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लैंगचेन बेसिकली है क्या, और सरल भाषा में हम ये समझेंगे कि लैंगचेन को बेसिकली पिक्चर में ही क्यों आया, लैंगचेन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, और हम लैंगचेन का यूज करके एक प्रैक्टिकल डेमो एप्लीकेशन बनाएंगे, और उस डेमो एप्लीकेशन का मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा और उसका कोड वॉक थ्रू भी करवाऊंगा, और उससे इंस्पायर होके आप अपने जरूरत के अकॉर्डिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का यूज करके अपने लिए एक बहुत ही अच्छी कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो के बारे में हम बात करेंगे लैंगचेन के बारे में। तो पहले लैंगचेन क्या है ये समझने से पहले हम ये समझते हैं कि लैंगचेन की एक्चुअल हमें जरूरत ही क्यों पड़ी। उसके लिए मैं आपको मेरे व्हाइट बोर्ड के ऊपर लेके जाता हूँ। इसमें बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो है आर्किटेक्चर या कुछ पिक्चर बनी हुई है, इमेज बनी हुई है। इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें सबसे पहले ये समझा रखा है कि चैट जीपीटी जैसा पावरफुल चीज आने के बाद हमें लैंगचेन की क्यों जरूरत पड़ी। बेसिकली क्या है कि उसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि चैट जीपीटी का एक ओवरऑल आर्किटेक्चर वो क्या है, वो कैसे काम करता है। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में लेके जाता हूँ। ये एक चैट जीपीटी का आप ये समझ लीजिए कि 10,000 फिट का ईगल आई व्यू है, अगर आप चैट जीपीटी को समझेंगे तो। उसमें बेसिकली क्या है कि चैट जीपीटी की आपकी यूआई है, जिसमें जैसे कि आप कोई भी अपनी क्वेरी या क्वेश्चन टाइप करते हैं, उसके पीछे ओपन एआई की एपीआई लिखी हुई है। तो जैसे ही आप यहाँ से अपनी क्वेरी डालते हो, यहाँ पे एपीआई हिट होती है, और वो एपीआई अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द यूजर प्रोफाइल रिस्पेक्टिव जीपीटी मॉडल के पास जाती है। GPT 3.5 या GPT 4 या GPT 3, अगर आपका फ्री वर्जन यूज है तो, फ्री वर्जन वाला अगर आप यूज कर रहे हैं। और ये सब क्या है, LLMs है, दैट मींस कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। सो बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही आप यहाँ से क्वेरी करोगे, लेट्स से क्यू क्वेरी जाएगी यहाँ पे एपीआई में, और एपीआई में वो चेक कर लेगा कि आप GPT 3.5 सेलेक्टेड है, GPT 4, GPT 3.5 है, तो यहाँ से आपका जो है क्वेरी का जो भी आंसर होगा वापिस लेके और यहाँ पे दे देगा। ये एक बहुत ही ऊपर लेवल का व्यू है। अब इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। इसमें चैलेंजेस क्या हैं कि आपके, जैसे कि अब इसमें चैलेंजेस ये हैं कि जो ओपन एआई ने जो ये बना के छोड़ा हुआ है, एक तो इसमें क्या है कि कॉस्ट इन्वॉल्व है। जैसे कि मान लीजिए कल को आपको ये सेम चीज, सेम ऐसी आपकी कैपेसिटी या आपकी कैपेबिलिटी आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिल्ड करनी है, तो आप डायरेक्ट चैट जीपीटी को नहीं यूज कर पाओगे, क्योंकि चैट जीपीटी को आपके ऑर्गेनाइजेशनल डेटा का नहीं पता है। सो दैट मीन्स कि आपके ओपन एआई मॉडल डू नॉट हैव एक्सेस टू योर ऑर्गेनाइजेशनल डेटा। तो कल को अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपने बिजनेस के लिए ऐसा कुछ सिमिलर प्रोडक्ट चाहिए, तो आप डायरेक्ट जो है उसको नहीं यूज कर पाएंगे चैट जीपीटी को। दूसरा इसमें ये है कि ओपन एआई वालों ने क्या कर रखा है कि हर एपीआई की हिट के ऊपर कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो बेसिकली ताकि उनके पास रेलेवेंट यूजर ही आए, इसलिए उन्होंने कॉस्टिंग डाल रखी है। तो उसमें क्या है कि जो ये कॉस्ट हर किसी के लिए बेस्ट सुटेबल नहीं है। और तीसरा जो लिमिटेशन है इस अबोव आर्किटेक्चर की, जो मैंने जस्ट अभी आपको दिखाया बेसिकली चैट जीपीटी के आर्किटेक्चर की, तीसरी लिमिटेशन ये है कि चैट जीपीटी जो है एक सर्टेन डेट तक की इंटेलिजेंस रखता है। अब अगर जैसे मान लो, अगर आप पूछोगे ना, तो इसमें बेसिकली सितंबर 2021 के बाद की अगर आप कोई इवेंट की इंफॉर्मेशन पूछोगे, तो ये बोल देगा कि मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं सितंबर 2021 तक ही ट्रेंड हूँ। तो ऐसे कुछ सिनेरियोज बनते हैं जहां पे ये सब चीजें जो हैं आपकी उतनी हेल्पफुल नहीं रहती है। अब क्योंकि मैं बात करने वाला था लार्ज इसकी लैंगचेन की, सो लैंगचेन पिक्चर में क्यों आया, इसीलिए लैंगचेन पिक्चर में आया है। अब लैंगचेन होता क्या है, चलिए अब लैंगचेन के बारे में बात करते हैं। लैंगचेन बेसिकली क्या है कि अगर आप, जैसे कि मान लीजिए कल को आप चाहते हैं कि आप ये समझ लीजिए कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चैट जीपीटी जैसा कोई एक प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो, लेट्स से, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल डेटा के बेस पे क्वेश्चंस को आंसर करेगा, क्वेरीज को हेल्प करेगा, और जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसमें उसकी कैपेबिलिटी भी चाहिए आपको, और जो न्यू, जैसे कि मान लीजिए इंटरनेट से रिलेटेड भी आपको, इंटरनेट की पावर भी आपको चाहिए, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको
एक ऐसे फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है जो कि इन दोनों को सपोर्ट करता हो, मतलब जिसका जिसकी हेल्प से आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल से भी कनेक्ट कर पाओ और इन सब अलग डिफरेंट सोर्सेज से भी, लेट्स से आपकी कंपनी का डेटाबेस है लेट्स से, या फिर आप इंटरनेट से या विकिपीडिया से या किसी और डेटा सोर्स से भी कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो वहां पे वैसा सपोर्ट जो है लैंगचेन आपको देता है। सो लैंगचेन एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसकी हेल्प से आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो, और उसी फ्रेमवर्क का यूज करके आप जो है इंटरनेट की पावर भी कंबाइन कर सकते हो। सो उसके बाद इन दोनों चीजों की पावर कंबाइन होने के बाद जो अल्टीमेट आपका प्रोडक्ट बनता है, जो आपकी एलएलएम ऐप बनती है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड ऐप जो बनती है, वो आपकी बहुत ही पावरफुल बन जाती है। सो जैसे इसमें एक बार इसका क्विक ओवरव्यू बता देता हूँ इस आर्किटेक्चर का। जैसे इसमें क्या है कि ये आपकी एक लेट से कोई भी ऐप होगी, वो लैंगचेन जो आप ये समझ सकते हो कि एज ए मिडलवेयर काम करेगा। अब वो किस उसकी हेल्प से आप किसी पेड, जैसे कि ओपन ए आई के मॉडल हैं GPT 3.5, GPT 4 या GPT 5 या GPT 3, उनसे कनेक्ट कर सकते हो, या ये आपके सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। ठीक है, अब वो पेड भी हो सकते हैं जैसे ओपन ए आई के हैं, और वो फ्री वाले भी हो सकते हैं जैसे कि आपके जो हैं हगिंग फेस के हैं। तो हगिंग फेस के जैसे फ्री वाले मॉडल हैं, अगर आप उनकी पावर को यूज करना चाह रहे हो, उन मॉडल को यूज करना चाह रहे हो, तो आप उसके लिए भी लैंग चेन का यूज करके हगिंग फेस से जो है कनेक्ट कर सकते हो। और सेम फ्रेमवर्क का की हेल्प से आप जो है गूगल या अपने डेटाबेस या अपनी विकिपीडिया से, इनसे भी कनेक्ट करके जो है आप अपनी ऐप बना सकते हैं। तो ये तो हो गया सारा आइडिया कि चैट जीपीटी में क्या क्या जो है चैलेंजेस हैं, और लैंग चेन कहाँ पे फिट होता है और कैसे हेल्प करता है। अब मैं आपको एक जल्दी से एक क्विक डेमो दिखाता हूँ, और उसके बाद जो है मैं उस जो मैंने बनाया है उसका कोड वर्क थ्रू करवाऊंगा। इसके लिए मैंने लैंग चेन का ही यूज किया है, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक सिंपल प्लेन एक वेब पेज है यहाँ पे जो है, और ये मैंने स्ट्रीमलेट में बनाया है। ये स्ट्रीमलेट का वेब पेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेड विथ स्ट्रीमलेट। सो इसमें बेसिकली क्या है कि इसके पीछे भी जो है एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल होस्टेड है। अब वो कौन सा होस्टेड है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले एक डेमो देख लेते हैं। ये उससे पहले डेमो देखने से पहले एक इस ऐप के बारे में जान लेते हैं कि ऐप ये करती क्या है। ऑटो कंप्लीशन करती है। ऑटो कंप्लीशन में क्या होता है कि आप कुछ टेक्स्ट देंगे, उस टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट समझ के ये जो है आपके लिए रेलेवेंट आगे का टेक्स्ट जनरेट कर देगा। जैसे कि आप कई बार जीमेल लिखते हैं, जीमेल का आपने यूज किया हो, तो मेल लिखते टाइम जैसे ही आप कुछ टाइप कर रहे हैं, आके आगे जैसे मान लो 4 या 5 वर्ड कुछ जो है आपके ऑटोमेटिक जो है आ जाते हैं, और कई बार वो बिल्कुल रेलेवेंट होते हैं जो आप लिखना चाह रहे हैं, और कई बार वो जो एग्जैक्ट रेलेवेंट नहीं होते जो आप लिखना चाह रहे हैं, लेकिन वो एक उस फीचर को जो बोलते हैं ऑटो कंप्लीट। सो इसमें भी ये एक ऑटो कंप्लीट है। इसमें बेसिकली आप यहाँ पे जो है अपने हिसाब से आपका कोई भी टेक्स्ट दोगे, ये टेक्स्ट देने के बाद जैसे ही एंटर मारोगे, इस टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट समझ के ये आपके लिए आगे के 10 वर्ड जनरेट कर देगा। अब वो हो सकता है कि आपके रेलेवेंस के हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन पॉइंट यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऐप की रेलेवेंसी या एक्यूरेसी का नहीं है। पॉइंट ये है कि हम इन इन टेक्नोलॉजी का यूज करके हम कैसे जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड एप्लीकेशंस आप अपने लिए बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक डेमो देखते हैं। जैसे मैंने इसमें एक टेस्ट दिया है, टेक्स्ट दिया है, माई नेम इज मरियमा, माई फेवरेट। अब मैं इतना टेक्स्ट देता हूँ, उसके बाद फिर जो है ये मुझे यहाँ पे टेक्स्ट देने के बाद यहाँ पे जो है आप इसको रीरन कर देंगे। अब जैसे ही रीरन करेंगे तो ये टेक्स्ट जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर था, इस टेक्स्ट को लेके इसका कॉन्टेक्स्ट समझ के आगे के 10 वर्ड दे देगा। अब जैसे कि माई नेम इज मरियमा, माई फेवरेट कैरेक्टर इज सतु सुकी एंड माई बेस्ट फ्रेंड। सो इसने आगे के 10 कैरेक्टर जो है 10 वर्ड जो है दे दिए। इसमें कुछ स्पेसेस भी हैं, आप बोलेंगे एग्जैक्ट 10 तो नहीं है, जैसे 1 2 3 4 और 3 7, और बीच में शायद इसने कुछ स्पेसेस दिए। सो अगेन पॉइंट यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी या रेलेवेंसी का नहीं है, क्योंकि मैं प्री ट्रेंड मॉडल यूज कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो है कोई अपना खुद का भी यूज कर सकते हैं, जो आपके कस्टमाइज डेटा के ऊपर आपका मॉडल ट्रेंड हो, या फिर जैसे मान लो कोई और बेटर मॉडल भी यूज कर सकते हो। सो जैसे कि मान लीजिए मैं आप इसमें कोई एक और टेक्स्ट देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख रखे हैं। जैसे मैं इसको देता हूँ कि मैं एक देता हूँ कि आई वुड नॉट बी एबल टू कम टू ऑफिस टूडे बिकॉज माई किड इज नॉट वेल एंड। अब इसके बाद मैं चाहता हूं कि आगे का टेक्स्ट ये ऑटो कंप्लीट और ऑटोमेटिक जनरेट कर दे। जैसे ही आप इसमें एंटर मारेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं रनिंग का आइकन बन के आ जाता है, वो रन हो रहा था।
अब जैसे इसने यहां तक का टेक्स्ट मैंने दिया था, अब आगे का टेक्स्ट इसने जो है कुछ दिया, एंड आवर चाइल्ड नीडेड टू टेक अ ब्रेक कफ। सो इसने जो है ऑटोमेटिक जो है इस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझते हुए कि मैं आज ऑफिस में नहीं आ सकता क्योंकि मेरा किड जो है वेल नहीं है या बीमार है, आगे का इसने कुछ भी दे दिया कि चाइल्ड नीडेड अ ब्रेक बिकॉज ही और शी हैज कफ और वट एवर। सो इसने कुछ टेक्स्ट जो है जनरेट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही मैं एक और सैंपल यहाँ से दिखा देता हूँ। जैसे कि एक और टेक्स्ट था, लेट से अपोलोजीज माई फ्रेंड, आई वुड नॉट बी एबल टू कम एट योर प्लेस एज माई कार। अब उसके बाद मैं एंटर मार देता हूँ। अब इतने कॉन्टेक्स्ट को समझ के आप इसमें ज्यादा भी दे सकते हैं, जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट देंगे उतनी ज्यादा करेक्ट एक्यूरेसी देगा। अब जैसे कि इसमें मैंने दिया था अपोलोजीज माई फ्रेंड, आई वुड नॉट बी एबल टू कम एट योर प्लेस एज माई कार वॉज टेकन सेंट टू द पुलिस एंड कैन बी। क्योंकि अभी इसने पूरा क्यों नहीं दिया, मतलब यहीं तक क्यों दिया, क्योंकि मैंने कोड में कन्फिगर कर रखा कि मुझे आगे के मैक्सिमम 10 वर्ड तक ही जनरेट करके दे। तो वो आपने अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंफिगर कर सकते हैं कि आपको कितने का चाहिए। सो ये हो गया डेमो की बात। अब आते हैं कोड के ऊपर। कोड बहुत ही सिंपल है, एक एक फाइल का कोड है। एक फाइल में जैसे आप देख सकते हैं 24 या 25 लाइन का कोड है, 20 लाइन का कोड है, और बहुत ही सिंपल और सुपर पावरफुल चीज है ये। इसमें सबसे पहले आपको ये यूज करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पीआईपी इंस्टॉल आपका जो है स्ट्रीमलेट करना है, और इसमें जो है आप लैंग चेन यूज कर रहे हैं तो पीआईपी इंस्टॉल लैंग चेन करना है। तो आप ये दो या तीन जो और एक ट्रांसफॉर्मर्स, आपको ये तीन रिक्वायर्ड जो है लाइब्रेरी चाहिए, आप उनको जो है इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं इस कोड का जो इस कोड के साथ वो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी बना के गिटहब में डाल दूंगा, और उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप अकॉर्डिंगली उस फाइल से जो है लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कोड का वॉक थ्रू करते हैं क्विकली। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मैंने स्ट्रीमलेट को इम्पोर्ट किया है, और यहाँ पे मैंने लैंग चेन से फ्रॉम लैंग चेन डॉट एल एल एम इम्पोर्ट हगिंग फेस पाइपलाइन, मैंने लैंग चेन का यूज करके, और वहां पे एक क्लास है, वहां से मैंने हगिंग फेस की पाइपलाइन को उठा लिया। अब हगिंग फेस की पाइपलाइन आने के बाद उसमें सिंपल से कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनकी वैल्यू पास करनी होती है, जैसे आपकी मॉडल आईडी, टास्क, पाइपलाइन के डब्ल्यू आर्गुमेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्स न्यू टोकन्स, जैसे मैंने यहाँ पे 10 दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम ये 10 वर्ड ही जनरेट करेगा मेरे लिए, 10 से ज्यादा नहीं जनरेट करेगा, जैसे जो मैंने अभी डेमो दिखाया था। अब आप ये पूछेंगे कि ये सब मुझे कैसे पता लगा, अब इन सब के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं हगिंग फेस की वेबसाइट के ऊपर, और हगिंग फेस की वेबसाइट के ऊपर जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, ये देखो हगिंग फेस डॉट को GPT-2, क्योंकि मैं GPT-2 यूज कर रहा हूँ तो मैंने ये वो वाला पेज ओपन कर रखा है, उसके लिए आप ये यहाँ से भी कर सकते हो। आप हगिंग फेस की वेबसाइट पे जाइए, यहाँ मॉडल्स पे क्लिक कीजिए। मॉडल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में ना कुछ फिल्टर्स दे रखे हैं या उनकी कैटेगरी दे रखे हैं, तो जैसे हमारा टेक्स्ट जनरेशन का है तो मैंने टेक्स्ट जनरेशन यहाँ से सेलेक्ट किया, तो ये सारे टेक्स्ट जनरेशन के वो आ गए। अब यहाँ से फिल्टर जो है सोर्ट ट्रेंडिंग की बजाय सोर्ट लेट से मोस्ट डाउनलोड्स का, जिसके सबसे ज्यादा डाउनलोड हुए, तो ये GPT-2 आ गया। मैं ये वाला मॉडल जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो ट्रेंड है, ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल है, इसको यूज कर रहा हूँ। अब इसमें आप जाएंगे यहाँ से, यहाँ पे जो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें इन्होंने कुछ सैंपल्स दे रखे हैं कि भाई आप इनको पाइटॉर्च में यूज करना चाह रहे हो तो ऐसे यूज कर सकते हो, टेंसर फ्लो के साथ यूज करना चाह रहे हो तो ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही है, और ऐसे ही जैसे पाइपलाइन के थ्रू यूज करना चाह रहे हो तो ऐसे कर सकते हो, जैसे कि मैं भी पाइपलाइन के थ्रू ही यूज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर की पाइपलाइन के थ्रू कर रहा हूँ, मैं वहां पे हगिंग फेस की पाइपलाइन के थ्रू कर रहा हूँ। सो दैट्स द ओनली डिफरेंट। तो यहाँ पे जो है कुछ नहीं है, हगिंग फेस पाइपलाइन डॉट फ्रॉम, ये मतलब मैंने पहले ही इसको इम्पोर्ट किया, अब उसके ऊपर ये एक मेथड कॉल किया फ्रॉम मॉडल आईडी, यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स की वैल्यू पास करिए, उसके बाद मेरे पास ये इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हो कि इट्स अ काइंड ऑफ प्लग एंड प्ले, आपने कोई स्विच पड़ा है वहां पे जाके अपना कोई प्लग है वहां पे जाके अपना स्विच लगा दिया, और इट जस्ट चार्जिंग योर मोबाइल और लैपटॉप समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ से आपको इसका ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ऑब्जेक्ट मिलने के बाद फिर इसको मैंने एक छोटे से मेथड में रैप कर दिया कि कोई भी जो प्रॉम्प्ट आएगा वो मैं इस ऑब्जेक्ट को दे दूंगा, और फिर ये ऑब्जेक्ट जो है मुझे टेक्स्ट जनरेट करके देगा।
उस टेस्ट को जो है मैं यहाँ पे अपने मेन मेथड में यूज कर रहा हूँ। अब मेन मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी का यूज कर रहा हूँ। स्ट्रीमलेट में क्या है कि स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी का ये फायदा है कि जैसे कि डेमो टाइप की एप्लीकेशन बनानी है तो आप उससे बहुत इजीली बना सकते हो। आपको बैकएंड और फ्रंट एंड का अलग अलग कोड लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास का यूज करेंगे तो उसमें आपको बैकएंड अलग लिखना पड़ेगा, फिर जो है HTML वगैरह में आपको फ्रंट एंड का कोड अलग से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 4 लाइन लिखिए, वहां की 40 लाइनों के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ST इज माई स्ट्रीमलेट का ऑब्जेक्ट, यू कैन थिंक ऑफ ST डॉट टाइटल। तो यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया अपने पेज का, और यहाँ पे एक टेक्स्ट इनपुट दे दिया। जो भी प्रॉम्प्ट मैं यहाँ से ले रहा हूँ वो मैं जनरेट टेक्स्ट को दे रहा हूँ, ये जनरेट टेक्स्ट। और जनरेट टेक्स्ट इन वो मुझे दे रहा है HF को, HF के ऑब्जेक्ट को वो प्रॉम्प्ट पास कर देगा, और फिर HF का जो मुझे जो है वहां से मुझे एक जनरेटेड टेक्स्ट मिलेगा, उसको मैं यहाँ पे सिंपल दिखा रहा हूँ, दैट्स इट। उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे रन करने के लिए जो है, इसको रन करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कंट्रोल सी। एक कमांड रहती है स्ट्रीमलेट रन, और फिर जो आपकी मेन फाइल है, आप जिस फाइल को रन करना चाह रहे हो, तो स्ट्रीमलेट और ये मैंने रन, और फिर फाइल का पूरा पाथ दे रखा है main.py, ठीक है। अब मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो रनिंग होना शुरू हो जाएगा, और ये देखो एक नए नए वेब पेज के अंदर खुल जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये जो दिखा रहा है टॉप राइट साइड में, यहाँ पे दिखा रहा है रनिंग। तो जैसे ही ये रनिंग पूरा होगा यहाँ पे जो है आपकी UI आ जाएगी, UI आएगी, आप यहाँ पे वो दीजिए। सो पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है कि मैं स्ट्रीमलेट की बना रहा हूँ। इस वीडियो का मेन पर्पज जो है वो पर्पज ये है कि कैसे आप लैंग चेन का यूज करके अपने जो है प्री ट्रेंड मॉडल्स को यूज बेसिकली काइंड ऑफ प्लग एंड प्ले कर सकते हो, और आप उनके बेस उनकी पावर को यूज करके आप अपने जो है रिस्पेक्टिव वो बना सकते हो, क्या बोलते हैं, अपने रिस्पेक्टिव एप्लीकेशंस बना सकते हो जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी ट्रेन, आपके ऑर्गेनाइजेशनल डेटा के ऊपर भी ट्रेन हो सकती है, या उसकी पावर को भी कंज्यूम कर सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जस्ट रिलाइंग ऑन टू द ओपन AI GPT मॉडल। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।